हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यानी कि नीले आप सभी के लिए एक खूबसूरत गेल अप स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसके ऑलरेडी 4 एपिसोड्स पोस्ट हो चुके हैं। जी हाँ, मैं इन्फ्लुएंसर लौंडा गेल अप स्टोरी का 5th एपिसोड लेकर के आया हूँ। इस स्टोरी के बाकी के एपिसोड को आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सुन सकते हैं। स्टोरी काफ़ी प्यारी है और सच्ची घटना पर आधारित है, तो स्टोरी को अपना प्यार भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम ज्यादा समय न लगाते हुए सीधे आगे की कहानी की तरफ रुख करते हैं। दर्शित इन्फ्लुएंसर मीटअप के दौरान अपने क्रश और अपने प्यार फहीम से मिला। ये दूसरी दफा था और उसके साथ भी वही सब किया जो उसके साथ पहले इन्फ्लुएंसर्स मीटिंग में हुआ था। दर्शित ने आखिर फहीम के साथ इतना बुरा और घिनौना काम क्यों किया, जबकि फहीम ने तो बताया था कि दर्शित के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके एक्स बॉयफ्रेंड मयंक ने किया था, ना कि फहीम ने। पर आइए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चल के सच्चाई भी जान लेते हैं। दर्शित के साथ जब पहले मीटअप में जो कुछ हुआ, जैसे कि बलात्कार और इतना कुछ बुरा जब हुआ दर्शित के साथ, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन था? दर्शित को तब लगा कि शायद फहीम सच कह रहा है। फहीम ने अपने एक्स मयंक का नाम लिया था। खैर, उस वक्त फहीम ने डॉक्टर को भी बुलाया, सिंपैथी भी दिखाया, केयर भी किया था दर्शित के लिए। पर धीरे धीरे दर्शित को सब याद आने लगा था, और जो सच दर्शित को याद आ रहा था वो यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था दर्शित के लिए। दर्शित अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बार बार सोचता रहता और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारा कुछ फहीम ने ही किया है। उस हादसे के बाद वो बहुत शांत रहने लगा। पेरेंट्स भी परेशान थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, पर वो पढ़ाई पर फोकस तो कर रहा था लेकिन दुनिया से एकदम टूट चुका था। उसे प्यार, इंसानियत से उसका भरोसा उठ चुका था, पर उसके लिए ये जानना जरूरी था कि फहीम की बातें कितनी सही है। दर्शित ने तहकीकात करना शुरू कर दिया। वो फहीम के वीडियोस खंगालने लगा, उसके स्टोरीज को चेक करता, लाइक कमेंट करता, स्टॉक करता हर तरीके से कि कहीं पर तो बॉयफ्रेंड उसका जो मयंक था वो मिल जाए, दिख जाए, तो बात उगलवा ले कि क्या सच में ऐसा कुछ उसने किया था। दर्शित ने अब फहीम के बॉयफ्रेंड मयंक का पता लगाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, सारी कोशिशें लगा दी थी और फाइनली फहीम की आईडी में उसे मयंक दिखा। सिंगल पोस्ट था। मयंक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, पर वो बहुत अमीर और जाना माना बिजनेसमैन था। दर्शित ने और मालूम किया तो उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। उसने धीरे धीरे मयंक को टेक्स्ट करना शुरू किया, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, वक्त दिया। दर्शित ने प्रॉपर यकीन दिलाया कि वो भी एक इन्फ्लुएंसर है और वो उसके बॉयफ्रेंड को अच्छे से जानता है। तब मयंक बात करने के लिए रेडी हो गया और फिर धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई वो सुन करके शॉक्ड हो चुका था दर्शित। दर्शित को पता चला कि फहीम एक नंबर का झूठा है और उसके ऐसा कोई घटिया इंसान नहीं। फहीम ने खुद को बॉटम दिखाने की कोशिश की थी और मयंक का नाम फंसाने की भी कोशिश की थी, जबकि मयंक से दर्शित जब मिला उसने और भी सारे गंदे चिट्ठे खोल के सामने रख दिए थे फहीम के बारे में। खैर, उसे पता चल चुका था कि एक घटिया इंसान है फहीम, जिसके साथ मयंक 4 साल तक रिलेशनशिप में रहा। मयंक एक बॉटम गे बॉय था, जहां पर फहीम एक टॉप गे मैन। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती है। उसके लिए मयंक ने बहुत कुछ किया, पर उसे एक ना एक दिन चले जाना था धोखा दे करके। तो उसके साथ फुल टाइम पास किया, उसे लूटा गया क्योंकि बिजनेसमैन था, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जब ये इन्फ्लुएंसर बनके जब ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया तो उसे यूज एंड थ्रो कर दिया। अब दर्शित को मयंक की सारी सच्चाई और मयंक से सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, तो
उसने सारा प्लान बनाया। मयंक से दर्शित को यह भी मालूम हुआ कि फहीम के अंकल और फैमिली पॉलिटिक्स में है और उसके अंकल DSP हैं, और फहीम अपने इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स के साथ जो उसकी खूबसूरती के चक्कर में फंस जाते हैं इजीली, फहीम उन सभी के साथ सब कुछ करता है और साथ में अपने उन कुछ बायसेक्सुअल फ्रेंड्स को भी उनके साथ ग्रुप में मिलकर संबंध बनाने की एक लत लग जाना जो कहते हैं, वैसी चीज़ें वो अक्सर करते थे, ये गलत काम। और ये बात मयंक को पता चल गई थी। मयंक को जब दर्शित ने सब कुछ बताया अपने बारे में, तब मयंक सुन के शॉक्ड हो गया, उसे सिंपैथी थी, और तब मयंक ने दर्शित की मदद करने के लिए हाँ कह दिया। अब आते हैं अभी के करंट सिचुएशन में। ये तो थी फ्लैशबैक का सीन। दर्शित को बहुत मुश्किल से किसी से दोबारा मोहब्बत हुई है फिलहाल, वो भी ऑर्गेनिकली, बिना किसी गे डेटिंग एप्लीकेशन के इस्तेमाल किए। जी हाँ, मैं आर्टिस्ट रुद्रांश की बात कर रहा हूँ, जिम बिल्ड बॉडी वाला सांवला सा हैंडसम जवान जिसे लोग रुद्र के नाम से जानते हैं, जो कि अभी फिलहाल दर्शित के हॉस्टल में उसका पड़ोसी है, यानी कि ठीक बगल वाले कमरे में रहता है। दर्शित को उससे प्यार हो गया है, पर दर्शित अब तक कॉल्स पर और गे डेटिंग एप्लीकेशन पर लगा रहता था, और वजह थी फहीम से बदला लेना। फहीम के साथ सब कुछ करवाने के लिए दर्शित ने ज़्यादा उम्र के ऐसे लोगों को ढूंढा जो देखने में अच्छे भी नहीं थे, और कुछ तो शादीशुदा बाइसेक्सुअल थे जो कि किसी के साथ सोने के लिए कुछ भी कर सकते थे। खैर, सब में एक चीज़ कॉमन थी कि इनको ग्रुप में करना था, तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए इसने बहुत मेहनत किया, जिन्हें सिर्फ हुकअप ही करना था, ऐसे लोगों को तलाशना, और जिनके अलग अलग किंक्स थे, जिनके अंदर एक बहुत दिनों से जिन्होंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे, ऐसे लोगों को ढूंढा, उन्हें लालच दिया। दर्शित ने इन लोगों की तलाश करने में महीनों लगा दिए थे ताकि दर्शित के साथ जो कुछ भी हुआ, फहीम उस दर्द को समझे, और उसके दोस्त भी उन्हीं चीज़ों से गुजरे। जब उसके दोस्त को पेन हो, यानी कि जब फहीम को दुख हो, दर्द हो, फहीम के साथ कर पाए और वो कामयाब भी हुआ इन चीज़ों को करने में, ये प्लानिंग उसकी सक्सेसफुल भी हो गई थी। फहीम को उसी होटल में ले जाकर उसके साथ सब कुछ करवा दिया था दर्शित ने, बदला ले लिया था, एक टॉप गे बॉय को बॉटम बनाकर उसको वही दर्द दिया दर्शित ने, जिस दर्द और तकलीफ की वजह से दर्शित डिप्रेशन में चला गया था। दर्शित ने ये सब करके फोटोज और वीडियोज भी अपने पास रख लिए ताकि कल को कुछ भी गलत होता है तो इसके पास कुछ तो हो उसे और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए। अब सुबह हुई और फहीम ने अपने आप को दर्द में पाया उसी होटल रूम में। उसे समझ में आ चुका था कि दर्शित ने उसके साथ हुए इंसिडेंट का बदला लिया है। फहीम की पोल भी खुल चुकी थी, फहीम का बुरा हाल हो गया था, तगड़े तगड़े लोगों ने उस पर चढ़ाई कर दी थी, फहीम बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा था, पर उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि उसने कभी गलत किया था दर्शित के साथ। दर्शित वापस हॉस्टल आया और फहीम को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। अब 2 दिन बाद दर्शित को फहीम का मैसेज आया, जिसमें फहीम ने धमकी भरे मैसेजेस लिखे थे। मुझसे पंगा लेकर सही नहीं किया, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कहीं की नहीं रहोगे, तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा, तेरी फैमिली को भी घसीटूंगा, कहाँ बचेगा, क्या करेगा देख ले, तैयार रहना, बहुत बुरे इंसान से तुम्हारा पाला पड़ा है। दर्शित ने कहा कि यार जो करना है कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फहीम ने घटिया चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, दर्शित का एड्रेस का पता करने की कोशिश करना, उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करना, साथ ही साथ दर्शित को धमकी दी कि वो ये वीडियो सबको दिखा देगा जिसमें दर्शित ने फहीम के साथ जोर जबरदस्ती करा है, और बलात्कार वाली बात को लेकर दर्शित को बहुत ज़्यादा डराया। पर दर्शित का साथ फहीम का एक्स बॉयफ्रेंड ही दे रहा था, मयंक, जिसके साथ मिलकर दर्शित ने भी अपने साथ हुए कांड की वीडियो क्लिप निकलवा ली थी और कई सारे प्रूफ भी ले लिए थे फहीम के अगेंस्ट। उससे फहीम डर तो गया, पर वो सुधरा नहीं, बल्कि और तरीके ढूंढने लग गया दर्शित को परेशान करने के लिए। दर्शित के काफ़ी पंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, बातें हो रही थी मैसेजेस में, कॉल्स में। अब दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स थे, दोनों का ही अपना एटीट्यूड, दोनों ने ही अपना पावर यूज़ किया और अपने लिए एक दूसरे को धमकियाँ दी। फहीम ने बहुत कोशिश की और यही कॉलेज में भी चलता रहा।
जब दाल वहाँ भी नहीं गली तब एक महीने बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा जिसमें फहीम में उसके साथ अत्याचार के बारे में बताया, पोस्ट किया ग्रुप में पोस्ट किया और कई जगहों पर पोस्ट किया जहाँ पर उसने बहुत गलत चीज़ें बताई कि मेरे साथ ये सब हुई है। अब ये वीडियो देखकर दर्शित भी रिप्लाई में वीडियोस बनाने लग गया और पोस्ट करने लग गया, जवाब देता सभी वीडियोस के किसी न किसी तरीके से, जिससे लोगों को भी पता चल गया कि इन दोनों के बीच अनबन है। दोनों के बीच एक अजीब सा वॉर शुरू हो गया था वीडियोस एंड रील्स का, दोनों ही आपस में जवाब देते, वक्त यूं ही गुजरता गया, इनकी दुश्मनी यूं ही बढ़ती गई। दर्शित को अभी भी अपना प्यार नहीं मिला था, दर्शित से बात करने रुद्र रूम के अंदर तक आ जाया करता, हल्की फुल्की बातें होती और बातें यहीं ख़त्म हो जाती। और तभी दर्शित का बर्थडे का दिन आता है, ये बात हॉस्टल में काफ़ी महीनों से सबको लगभग मालूम है। और फिर रुद्र ने पहली बार एक डिनर डेट ऑर्गेनाइज किया दर्शित के लिए अपने कमरे में ही, ताकि उसे अच्छा महसूस करा सके, सरप्राइज दे सके और दिल की बात बयां कर पाए। और इसमें रुद्र ने किसी और की भी मदद ली और पूरा कमरा डेकोरेट किया बहुत खूबसूरती से। अब आए बर्थडे वाले दिन की बात। बर्थडे सेलिब्रेशन वाली रात में जब रुद्र ने उसे सरप्राइज करना चाहा, वो कमरे से गायब था, क्योंकि हॉस्टल में सबने उसे विश किया था, उसकी पिटाई कुटाई चल रही थी, मस्ती चल रही थी और देर रात 3 बजे वो पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ में लौटता है। उसने देखा कि सामने रुद्र चेयर लगा के उसके आने का इंतज़ार कर रहा है और रुद्र को देख कर दर्शित मुस्कुराता है। रुद्र ने दर्शित को बर्थडे विश किया और अब थका हारा दर्शित कमरे में जाना चाहता है, तब दर्शित को रुद्र अपने साथ अपने रूम पर ले जाता है। और फिर दर्शित देखा कि कुछ तो है जो चमक रहा है, कुछ तो है जो रोशनी आ रही है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि वो झिलमिलाहट कुछ और नहीं, बटन ऑन करते ही वो डेकोरेटिव आइटम्स थे वो रोशनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, चमकते हैं, अलग अलग रंग की बल्ब लाइट्स लगी रहती है। रुद्र ने दर्शित की बहुत सारी तस्वीरें भी बना रखी थी, अब वो था ही आर्टिस्ट, वो सब देख करके एकदम दंग रह गए। हर तरफ लाइट्स थी, दर्शित को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसे बहुत खुशी हो रही थी, उसके अंदर एक्साइटमेंट था, बर्थडे तो था ही। उसने रुद्र को देखा, रुद्र उसे देख रहा था, उन दोनों से रहा नहीं गया और उसने दर्शित ने एक्साइटमेंट में आकर के रुद्र के होठों को चूम लिया। दर्शित बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था ये करते वक्त। अब दोनों ने साथ मिलकर के केक कट किया बिना ज़्यादा बात किए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखों को देखा और फिर दर्शित और रुद्र उस रात बहक गए। दरवाजा बंद कर लिया गया, दर्शित और रुद्र के बीच काफ़ी देर तक प्यार रोमांस चला और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, जिससे दर्शित को बहुत तकलीफ हुई, पर प्यार का एहसास उस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत देता है। दोनों के बीच सब कुछ हो जाने के बाद दर्शित बहुत खुश तो हुआ, क्योंकि उसकी लाइफ का ये पहली बार किसी के साथ होश में शारीरिक संबंध बनाना था, प्यार का एहसास उसे पहली बार हो रहा था, जिसके लिए वो ना जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। बर्थडे की रात थी तो दर्शित कमरे में जाकर सो जाता है, अगले दिन का इंतज़ार करते कि दिन में खूब मस्ती करेगा वो रुद्र के साथ। और सुबह जब आँख खुली, उसने रुद्र को देखना चाहा, क्योंकि रात जो कुछ भी हुआ एक सपने के जैसा था, उस खुशी को वो बयां नहीं कर सकता था। वो रुद्र से मिलकर अपने दिल की बात बताना चाहता था। जब वो रुद्र के कमरे में जाता है देखने के लिए, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, वो चौंक जाता है, बाहर बड़ा सा ताला लगा रहता है। दर्शित को समझ नहीं आता कि रुद्र सुबह सुबह कहाँ चला गया। दर्शित कॉलेज जाता है और वहाँ इंजॉय करता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, आज खुशी का दिन तो था ही उसके लिए, ज़िंदगी में किसी को पा लेने की एक अलग ही खुशी थी उसके अंदर। दर्शित और रुद्र ने बिना एक दूसरे को ठीक से जाने शारीरिक संबंध बना लिए थे। दर्शित ने जब नीचे पूछा कि रुद्र अब तक नहीं आया, क्या है, सब ठीक है कि नहीं, तब उसे मालूम हुआ कि रुद्र आज घर चला गया है। दर्शित को समझ नहीं आया कि अचानक रुद्र इतनी सुबह क्यों चला गया, कल रात को तो इतना अच्छा समय दोनों ने गुजारा, दोनों के बीच इतना प्यार मोहब्बत था, पर अचानक कहाँ चला गया। दर्शित का मन था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, शेयर करने का। दर्शित ने हॉस्टल फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन का भी वीडियो पोस्ट कर दिया था,
पर वो दुखी था रुद्र के चले जाने से अचानक। अब जिस बर्थडे वीडियो को उसने अपने एप्लीकेशन में जहाँ पोस्ट किया था उसे फहीम ने देख लिया। जी हाँ, उसके दुश्मन फहीम ने। और फिर फहीम ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि शाम को अचानक हॉस्टल में पुलिस आ गई और रुद्र के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर के आती है और उसे अपने साथ पकड़ के जेल ले जाती है, जिससे पूरे हॉस्टल के जो लड़के थे वो सब एकदम शॉक्ड थे कि हुआ क्या, क्योंकि उसे हॉस्टल के बाहर से ही पकड़ के ले जाया गया। आखिर ऐसा कौन सा आरोप था दर्शित पर जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ के ले गई, खैर हम जानेंगे अगले एपिसोड में। स्टोरी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। फिलहाल आज के लिए तो इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे। स्टोरी को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। लव इज़ लव, नीले का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।